पुलवामा में बम फटा, 40-45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम बस में, किसने बम फाड़ा, नहीं सुनिए, बम किसने फाड़ा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर, याद होगा। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। पाकिस्तान पर वायुसेना, हिंदुस्तान की वायुसेना ने आक्रमण किया, बम गिराए, हमारे लोग शहीद भी हुए। घंटा आप वीडियो को देखो, पार्लियामेंट हाउस लोकसभा टीवी के वीडियो को देखो, डेढ़ घंटा प्रधानमंत्री आंख में आंख नहीं मिला पाए, कभी यहां देखे, कांग्रेस पार्टी का कमाल। अच्छा दूसरा कमाल सुनो, दूसरी बात सुनो, हिंदुस्तान में कुछ ही समय पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास इतना पैसा था कि हमारे जो प्रेस के मित्र हैं सबने मान लिया था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार आ ही नहीं सकती। अब सुनिए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वायदे किए हैं, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, किसानों का कर्ज माफ का वायदा किया, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, और 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का कर्जा माफ हो जाएगा, और इसको कोई शक्ति दुनिया में नहीं रोक सकती। हमने कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन में काम कर दिया। उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद 8 बजे रात को नोटबंदी कर देते हैं। मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के एक्स प्राइम मिनिस्टर, देखिए, मतलब समझ में फर्क देखिए। उधर नरेंद्र मोदी खड़े होकर कहता है मैं नोटबंदी करूंगा, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को खत्म करूंगा, छोटे दुकानदारों को, हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस सिस्टम को नष्ट करूंगा, और उधर राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन, खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने दिमाग में एनालिसिस कर ली है, 2% जीडीपी का नुकसान होगा। एक साल बाद पता लगता है, ये सब इकोनॉमिस्ट ने आंकड़े निकाले, एक साल बाद पता लगता है कि जो मनमोहन सिंह जी ने बिना सोचे, बिना पढ़े राज्यसभा में कहा कि 2% का नुकसान होगा, उधर सच्चाई निकली, 2% का नुकसान हो गया। हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन,
टेलीकॉम रेवोल्यूशन, सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की जनता से मिलकर किए।